बिहार से जाति है कि जाति ही नहीं, चुनावी समर में चाहे कोई भी पार्टी हो लेकिन जाति का आधार फोकस पर होता है। इस बार भी मिशन 2024 में लालू और नीतीश की जोड़ी बड़ा खेल कर सकती है और एक बड़ी सियासी हलचल नजर आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। लोकसभा चुनाव यानी कि मिशन 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी अगर साथ रही तो बिहार में बड़ा खेला हो सकता है, लेकिन मामला दो बिंदुओं पर जाकर अटक गया है। अगर कामयाबी मिली तो बीजेपी पूरे सीन से आउट हो सकती है। पहला फैक्टर है जातियों के बल पर ही राजनीति और दूसरा है जातीय जनगणना। इन्हीं दोनों को आधार बनाते हुए पूरा प्लान तैयार होगा। जाति आधारित जनगणना का सरकार फायदा गिनाएगी और इसे लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच पहली प्राथमिकता के तौर पर रखेगी। बिहार में जाति आधारित गणना 31 मई तक समाप्त हो जाएगी। उम्मीद है कि इसके बाद महागठबंधन सरकार बिहार में एक्शन मोड में नजर आए। पिछले 32 सालों से बिहार में पिछड़ी जाति का शासन चल रहा है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों पिछड़े समाज से आते हैं। बिहार में लगभग 52% पिछड़ों की आबादी है। अभी देश में 49.5% आरक्षण है, जिसमें पिछड़ी जाति को 27, अति पिछड़ी जाति को 15 और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण दिया गया है। आरक्षण की व्यवस्था इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी है, उन्हें 10% आरक्षण मिल रहा है। बिहार में जातीय जनगणना पूरी होती है तो निश्चित तौर पर पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज मिलाकर इसका आंकड़ा 52% से अधिक हो सकता है। बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद नीतीश और लालू की जोड़ी केंद्र सरकार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग भी करेगी। हो सकता है कि 40-45% पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की मांग करे, जो केंद्र सरकार के लिए काफी मुसीबत भरा भी हो सकता है, क्योंकि सरकार को 50% से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है और 50% आरक्षण में अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा समाज सभी आ जाते हैं। ऐसे में अकेले सिर्फ पिछड़ा समाज को आरक्षण की सीमा बढ़ाना सरकार के लिए मुश्किल होगी और इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। बिहार में लगभग 27-28% पिछड़ी जाति के लोग हैं, उसमें यादव हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहा जाति के हैं। इसके साथ ही इससे ज्यादा संख्या में 17% यादव है, कुशवाहा 8 है तो कुर्मी 4% है। वहीं अति पिछड़ा जाति की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में लगभग 26% के आसपास हैं। इसमें लोहार है, कहार है, कुम्हार है, ताती है, पटवा है, नोनिया, धानु, ये सभी जातियां हैं। अगर ये जातियां एकजुट रहीं तो महागठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है और बीजेपी आउट।